एक मंत्र जो हमें लगातार हम सबको कहना होगा, दवाई भी और कड़ाई भी। देखिए, दवाई मतलब बीमारी चली गई, ऐसा नहीं। मान लीजिए किसी को जुकाम हुआ है, उसने दवाई ले ली, सब ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ठंडी जगह पे बिना सुरक्षा के ऊनी कपड़े वगैरह पहने बिना वो चला जाए, बारिश में कहीं भीगने के लिए चला जाए। भाई ठीक है, तुमने दवाई ली है, लेकिन तुम्हें बाकी संभालना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ये हर हेल्थ का नियम है जी, ये कोई इस बीमारी के लिए नहीं है, ये हर बीमारी के लिए है जी। अगर हमें टाइफाइड हुआ, दवाई हो गई, सब हो गई, फिर भी डॉक्टर कहते हैं भाई इन इन चीजों को नहीं खाना, ये वैसा ही है। और इसलिए मैं समझता हूं इतनी सामान्य बात लोगों को समझानी चाहिए, और इसलिए दवाई भी और कड़ाई भी, इस विषय में हम बार बार लोगों को आग्रह करें। दूसरा जो विषय मैंने कहा, आरटीपीसीआर टेस्ट को स्केल अप करना बहुत आवश्यक है ताकि नए केसेस की पहचान तुरंत हो सके। स्थानीय प्रशासन को माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने की दिशा में हमें आग्रह करना चाहिए, वो वहीं पर काम तेजी से करें, हम बहुत तेजी से रोक पाएंगे, ताकि संक्रमण का दायरा फैलने से रोकने में वो मदद करेगा। वैक्सीन लगाने वाले केंद्रों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, वो प्राइवेट हो सरकारी हो, जितना, जैसा आपने मैप देखा होगा, वो आपके लिए भी राज्यवार भी बनाया, वो शुरू में जो ग्रीन डॉट वाला बताया था, और देखने से ही पता चलता है बहुत सारे इलाके हैं कि जहां लाइट ग्रीन लग रहा है, मतलब कि हमारे वैक्सीनेशन सेंटर उतने नहीं है और या तो एक्टिव नहीं है। देखिए, टेक्नोलॉजी हमारी बहुत मदद कर रही है, हम बहुत आसानी से डे टू डे चीजों को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इसका हमें फायदा तो लेना है, लेकिन उसमें उसके आधार पर हमें इम्प्रूवमेंट करना है। हमारे जितने सेंटर्स प्रोएक्टिव होंगे, मिशन मोड में काम करेंगे, वेस्टेज भी कम होगा, संख्या भी बढ़ेगी और एक विश्वास तुरंत बढ़ेगा। मैं चाहता हूं कि इसको बल दिया जाए। साथ ही एक बात हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये वैक्सीन निरंतर प्रोडक्शन हो रहा है और जितना जल्दी हम इससे बाहर निकले हमें निकलना है, अदरवाइज ये एक साल, दो साल, तीन साल तक खींचता चला जाएगा। एक मुद्दा है वैक्सीन की एक्सपायरी डेट, हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पहले आया है उसका पहले उपयोग हो, जो बाद में आया है उसका बाद में उपयोग हो। अगर जो बाद में आया हुआ हम पहले उपयोग कर लेंगे तो फिर एक्सपायरी डेट और वेस्टेज की स्थिति बन जाएगी, और इसलिए मुझे लगता है कि अवॉइडेबल वेस्टेज से तो हमें बचना ही चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये लॉट हमारे पास जो है इसकी एक्सपायरी डेट ये है, हम सबसे पहले इसका उपयोग कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है।